फेस्टिवल सीजन नजदीक आया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी डिलिशियस नान खटाई। वो जो बाहर वाली टेस्टी टेस्टी नान खटाई हमें बचपन में अच्छी लगती थी ना, बस वैसी ही नान खटाई हम आज घर पे बनाने वाले हैं। इसमें आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये घर के इंग्रीडियंट से ही बनकर तैयार हो जाएगी। एकदम क्रिस्पी टेस्टी नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है, आधा कप चीनी ली है। अब विस्कर की मदद से अच्छे से हम इसे विस्क कर लेंगे। करीब करीब विस्क करने में आपको 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे। आपको कंटिन्यू इसको इसी तरीके से चलाते जाना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीम जैसा बन जाए। जो बाहर की व्हिप्ड क्रीम मिलती है ना, बस इसका टेक्सचर उसके जैसा ही बन जाएगा। ये देखिए, नजदीक से देखिए, अभी इसका कलर है वो ऑफ व्हाइट है। 3 से 4 मिनट में इसका कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद इसका टेक्सचर है वो एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह चेंज हो गया है और ये एकदम व्हाइट हो चुकी है, मतलब ये अब तैयार है। अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। इसका मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है कि कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि मैदा है वो घी और चीनी में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से जैसे आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें गूंथ कर तैयार करना है। ये देखिए, एक आटे जैसा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे बिना ओवन के बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक स्टीमर लिया है जिसमें मैंने नीचे नमक डाल दिया है। अब इसे ढककर हमें प्रीहीट करने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे मैंने प्लेट ली है स्टीमर की, जिसमें मैंने फॉइल पेपर चढ़ा दिया है ताकि हमारी नान कटाई नीचे से चिपक ना जाए। अब हमने जो डो बनाया था उसमें से हम थोड़ा सा लेकर एक बढ़िया सा राउंड शेप बनाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों की मदद से मैंने बढ़िया सी एक राउंड शेप बनाकर तैयार की है। इसमें आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बनाना है, वरना इसमें क्रैक्स भी पड़ सकती हैं। और ये देखिए, इस तरीके से स्लाइडली हमें इसे बेंड कर देना है ताकि एक बढ़िया सा पेड़े जैसा शेप बन जाए। इसी तरीके की हम सारी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे नान खटाई बनाकर तैयार कर ली है। तो इसे गार्निश करने के लिए यहाँ पे हम बादाम या पिस्ता का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने बादाम दी है। तो गार्निशिंग इसकी रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसे हम स्टीमर में रख देते हैं। हमारा स्टीमर है वो भी प्रीहीट होने की वजह से बढ़िया से गर्म हो चुका है। सावधानी से इसमें हमारी प्लेट है वो हम रख देंगे। अब आपको 20 से 25 मिनट तक इसे पका लेना है। आप देख सकते हैं 25 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। चेक करने के टाइम ही एकदम सॉफ्ट होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, इसको बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडे होने की वजह से ये एकदम कड़क हो जाएगी। और ये देखिए, हमारी बढ़िया टेस्टी डिलीशियस बाहर जैसी नान खटाई घर पर ही बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, इसका शेप भी बिल्कुल बढ़िया आया है और ये फूल कर बड़ी भी हो चुकी है। आप भी बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए। इस दिवाली मेहमानों को घर पे ही बनी हुई डिलीशियस नान खटाई खिलाइए।
मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे डिलीशियस रेसिपीज के साथ। थैंक यू।